ए जी एफ चैप्टर टू से कौन सी खबर निकल कर सामने आई है जो आपका दिल तोड़ देगी संजू बाबा कब सेट्स को ज्वाइन करने वाले हैं कब वो डबिंग वर्क पूरा करेंगे और कब ये फिल्म रिलीज़ होगी हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज़ मैं हूँ सोनी जयाल मुझे पता है के जी एफ चैप्टर टू का आप सभी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है और खुद हमसे इंतज़ार अब ये जो फ्रस्ट्रेटिंग हो चुका है कि कब ये फिल्म रिलीज़ होगी अभी सब कुछ नॉर्मल होता तो ट्वेंटी थर्ड अक्टूबर को ये रिलीज़ हो चुकी होती अब तक ट्रेलर आ चुका होता लेकिन पेंडेमिक के चलते सब कुछ इधर उधर हो गया है लेकिन एक खुशखबरी सामने आई थी जब कार्तिक गौड़ा जो कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है फिल्म के उन्होंने कह दिया था कि हम प्रोसीड कर रहे हैं यानी कि रिलीज़ के लिए हम जल्द से जल्द सोच रहे इसी साल लेकिन अब जो बयान सामने आ रहे हैं वो वाकई दुखद है आपको बता दें मलपे में जो बाकी स्टार्स है इसके उनका शूट चल रहा है संजू बाबा की हेल्थ के बारे में आपको पता है उन्हें लंग कैंसर डायग्नोज हुआ है और वो अपने इलाज के लिए गए हुए हैं और कुछ तस्वीरें सामने आई संजू बाबा की जो वाकई बहुत परेशान करने वाली है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पतले हो गए उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर दिया है कार्तिक गौड़ा ने कहा है कि वो जल्द से जल्द शूट करेंगे और संजू बाबा नवंबर फर्स्ट वीक में उन्हें ज्वाइन करेंगे उसके बाद वो डबिंग वर्क पूरा करेंगे वहीं आपको बता दें जो मेजर पोर्शन बचा हुआ है संजू बाबा और यश का वो है फाइट सीक्वेंस तो फाइट सीक्वेंस का ये है कि पूरे तेईस दिन का शूट होने वाला है तो अगर संजू बाबा फर्स्ट वीक में उन्हें ज्वाइन करते हैं फिर तेईस डे इसकी शूटिंग चलती है तो दिसंबर तक ये आराम से चला जाएगा और फिर जाकर ये फिल्म रिलीज़ होगी यानी कि ये कंफर्म हो चुका है और कार्तिक गौरा ने और टीम ने भी कंफर्म कर दिया है कि वो 2020 में नहीं आ रहे हैं अब ये फिल्म रिलीज़ होगी दो में किस डेट को रिलीज़ होगी ये तो ऑफिशियल टीम ही बता सकती है आपको बता दें कन्नड़ा जो है वो जल्द से जल्द पूरा का पूरा ओपन होने वाला है फ्लोर ओपन होने वाला है और जो थिएटर्स है वो वहाँ खुलने वाले हैं सबसे पहली फिल्म है चिरंजीवी शारजा की जिनका हाल ही में देहांत हुआ था उनकी फिल्म रनम रिलीज़ होगी उसके बाद बाकी कनाडा फिल्म रिलीज़ होंगी आपको बता दें कि नवंबर फर्स्ट वीक तक ये फिल्म जो है कंप्लीट करने का सोच रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी संजू बाबा वापस आएंगे फिर जाके उनकी हेल्थ वगैरह ठीक होगी फिर उन्हें वेट गेन करना होगा क्योंकि उनके फाइटिंग सीक्वेंस इस फिल्म में है तो तब जाकर इस फिल्म की पूरी शूटिंग ख़त्म होगी यानी कि दिसंबर तक भी ये फिल्म नहीं आएगी क्रिसमस में सोच रहे थे लेकिन नहीं आने वाली दो का इंतज़ार फिर से कर लीजिए अब ये फ़िल्म ऐसी है तो इस का इंतज़ार हम कर ही सकते हैं मोस्ट अवेटेड फिल्म इसीलिए इसे कहा जा रहा है लेकिन जब भी ये फिल्म आएगी धमाल ही मचाएगी ये कन्फर्म्ड है के जी चैप्टर वन की बात करें तो ढाई सौ करोड़ का इसने कलेक्शन किया था और जिस तरह से के जी चैप्टर वन की बात पार्ट टू का इंतज़ार हो रहा है ये पाँच करोड़ का जो क्लब है वो आसानी से पार कर लेगी हिंदी में भी तीस करोड़ की ओपनिंग आसानी से ले लेगी वहीं आपको बता दें के जी एफ चैप्टर टू की लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है रवीना टंडन है अधीरा के किरदार में संजय दत्त है यश तो है ही इसके अलावा आपको प्रकाश राज नज़र आएंगे जो कि सिर्फ टॉलीवुड में ही नहीं बॉलीवुड में भी अच्छी खासी पहचान रखते हैं बहुत सारे फैंस इनके हैं सिंघम से तो इन्होंने दीवाना कर दिया था जयकांत शीखरे के रोल ने और इसके अलावा अनंत नाग जो कि के चैप्टर वन में भी आपको नज़र आए थे वो आपको पार्ट टू में भी नजर आने वाले हैं और जो रवीना टंडन है उनका किरदार होने वाला है प्राइम मिनिस्टर का जो कि बहुत ज्यादा रसूख रखता है उन्होंने अपना बयान भी दिया था कि मेरा जो किरदार होने वाला है वो बहुत धमाकेदार होने वाला है तो दोस्तों आपको के जी चैप्टर टू का कितना इंतजार है हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में से जरूर बताइएगा और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड अपडेट्स के लिए फिल्मी रिव्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को